नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि किंगस्टोन कोल ऐश स्पिल, इसके मतलब अनवील करने, इम्पैक्ट ऑफ कोल ऐश ऑन वाटरवेज। बेसिकली दिसंबर 2008 में एक कैस्ट्रोफिक इवेंट अनफोल्ड हुआ था किंगस्टोन टेनेसी में। ये कंटेमिनेटेड पाउंड ऑफ जो था ना टेनेसी वैली अथॉरिटी किंगस्टोन फॉसिल प्लांट फेल्ड, जिसने रिलीज़ किया था 5.4 मिलियन क्यूबिक यार्ड टॉक्सिक कोल एशिज का सराउंडिंग एरियाज़ में। ये जो स्पिल था ना उसने पल्यूट किया था जो इमरुई रिवर था ना, क्लिंच रिवर, और जो नरबी वेट्सबॉर रिजर्वायर थे उन्हें, जिन्होंने कॉज किया था सर्व इकोलॉजिकल डैमेज और इनडेंजर किया था काउंटलेस कम्युनिटीज़ की हेल्थ को। और जो कोल ऐश था ना, ये जो रेजिड्यू है ना जो लेफ्ट होता है कोल के बर्निंग के बाद, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये कंटेन करता है टॉक्सिक कॉकटेल्स ऑफ हैवी मेटल, जैसा कि आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया और सिलीनियम हो गया। ये जो कंटेमिनेट्स हैं ना, ये पोज करते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क ह्यूमन हेल्थ को भी और इन्वायरमेंट को भी। अगर बात करें अवर 1 बिलियन गैलन ऑफ कोल ऐश स्लरी इन इन अनडेटेड द रिवर एंड सराउंडिंग एरियाज, और जो उसके बाद बात करें एलिवेटेड लेवल ऑफ हाई मेटल्स परसिस्टेड इन द वाटर लॉन्ग आफ्टर द स्पिल, जिन्होंने अफेक्ट किया था एक्वेटिक लाइफ को और पोटेंशली एंटर किया था फूड चेन में। जो रिलीज था ना आर्सेनिक का सिर्फ, उसने एस्टिमेट टू बी 300 टाइम्स द अलोएबल लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर। इस स्पिल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था फिश पॉपुलेशन को, नेगेटिवली इम्पेक्ट किया था रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को और डिवेस्टेट किया था लोकल कम्युनिटीज़ को, जो कि डिपेंड कर रही थी अफेक्टेड वाटर वेज पे। जो क्लीन अप एफर्ट्स है ना, वो सालों के लिए मतलब लॉस्टेड हुई थी और कॉस्ट टैक्स पेयर हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर्स हुए थे इसकी वजह से। जो थे ना बेसिकली, इस अगर टॉपिक पे कुछ बुक्स की बात की जाए, नंबर वन पर है द अनक्वाइट अर्थ, अ नावल बाय डेनिसी गिरडिनी। नंबर टू पर है कोल ऐश टॉक्सिक वेस्ट इन प्लेन साइट बाय मार्टिन ए डोनोई। नंबर थ्री पे आउट ऑफ द एशिज रीबिल्डिंग अमेरिकन कल्चर बाय एंथोनी इसोलैन।